हेलो गाइस, स्वागत है इस मेरे नए व्लॉग में। थोड़ा ऊपर देखिए आप, थोड़ा हल्का सा बादल है और बूंदा बांदी भी। तो आज हम पिकनिक जा रहे हैं, प्लानिंग करके रखा है। तो लेकिन मौसम देखिए आप, काफ़ी हवा भी है। तो अब हम निकल चुके हैं। आज हमारे स्टाफ जो है हमारे सेक्शन के, तो अभी हम भी निकल चुके हैं। अभी हम पार हो रहे हैं मेडिकल के रास्ते के। यहाँ पे ये है मेडिकल के रास्ता, वो हमसे पहले निकल चुके हैं क्योंकि हमें कुछ और सामान लेना था अपने साथ। तो हमने थोड़ा दुकान रुककर कुछ सामान लिए, अपने स्नैक्स आइटम सब। तो अभी हम तमालू के रास्ते पे आ चुके हैं और अब हम किन्युका पहुंच चुके हैं। यह है किन्युका का हाईवे। यहाँ हाईवे तो रहता नहीं है, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। तो ये मेरा बस्ती है दोस्तों। तो अभी हम सुनामी मेमोरियल पहुंच चुके हैं और हमें जाना है टीटॉप बीच, टीटॉप फिश लैंडिंग। अगर वहाँ पे भीड़ रहेंगे तो हम वहाँ पे नहीं रहेंगे। अगर कोई आएगा तो हमसे पहले, तो हम दूसरा कुछ लोकेशन देख लेंगे, लेकिन वही टीटॉप का थोड़ा आगे पे। तो अभी हम बिकलापाती पार हो रहे हैं। तो ये है दोस्तों बासा बीच वो तरफ है। तो थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं मेरे दोस्तों के साथ। शायद वे सब तो पहुंच चुके होंगे, हमसे पहले निकल चुके थे। तो बस ऐसा ही वक्त रहता है दोस्तों, छुट्टी के समय पे अपने दोस्तों के साथ बिताना टाइम पास, और अपने फैमिली के साथ थोड़ा पिकनिक के लिए एक टाइम देना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो हमने सोचा आज भी हम अपने स्टाफ के साथ, जो कि बहुत दिन से हम लोग प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन आज ऐसा वक्त आ गया है। अभी थोड़ा हवा, बारिश होने का चांसेस है, लेकिन मौसम काफ़ी थोड़ा अच्छा है क्योंकि ज़्यादा धूप भी निकला नहीं हुआ है, थोड़ा बादल छाया हुआ है। तो अभी हम फिश लैंडिंग के यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी हम गाड़ी घुमा रहे हैं, शायद वे पहुँच भी चुके हैं हमसे पहले। शायद यही लोकेशन बोले थे, फ़िलहाल देखना पड़ेगा। ये मेरा बॉल गिर चुका है, देखिए कीचड़ लग गया है। वॉलीबॉल भी लेके आए हैं साथ में, थोड़ा कुछ अगर किसी को मूड करेगा तो खेलने खेल लेंगे। तो ये रहा फिश लैंडिंग टीटॉप के यहाँ पे। तो हमने सोचा वहाँ रुकेंगे, लेकिन हम यहाँ पहुँच चुके हैं। हमने दूसरे लोकेशन चूज़ कर लिया है क्योंकि वहाँ थोड़ा भीड़ था, वहाँ से पहले बहुत लोग आ चुके थे। लेकिन देखे तब भी यहाँ भी कितना खूबसूरत नज़ारा है, नेचर का ब्यूटी। आप सिर्फ बाहर आकर ही खुली हवा के साथ आप सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं, ना कि घर बैठकर। देखिए कितने दूर से आप इस खूबसूरत नज़ारा का आनंद उठा सकते हैं। माय भी कहाँ है, काश मैं थोड़ा लाइन लेके आता था शायद तो और अच्छा रहता, लेकिन ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं था, बस सब सडनली हो गया था क्योंकि थोड़ा मौसम के चलते हम भी थोड़ा कंफ्यूज थे आना कि नहीं। तो फिलहाल बाकी सब सामान निकाल रहे हैं अभी। पानी तो बढ़िया है, बढ़िया ना है। तो सब सामान निकाल चुका है और बाकी लोग तो निकल चुके हैं आगे वो तरफ बंकर का। वहाँ पे आगे एक जापानीज बंकर है, मुझे नहीं पता वो किसका बंकर है, लेकिन जापानीज तो आए थे पहले भी यहाँ पे। एनीवे मुझे उतना कुछ नहीं पता। Thank you.
तो इसी बहाने मैं कुछ वीडियो शूट कर लेता हूँ। फिलहाल अभी मैं सीख रहा हूँ किस तरह वीडियो लेना है, ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस तो है नहीं। कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छा अच्छा तस्वीरें दिखाए अपने वीडियोग्राफी द्वारा। तो देखिए यहाँ जुडित मैडम भी आया है अपने बहन भाई लोग के साथ, छोटे भाई लोग, और यहाँ पे मेरे स्टाफ के कलीग्स और ये सारे मेंबर्स। तो ये देखिए जाओ पेड़, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि धीरे धीरे जो कोस्टल साइड है कार निकोबार का, सारे बालू नीचे धस रहा है। ऊपर देखिए आप बादल कितना खूबसूरत है, तब काला काला। तो अभी हम निकल रहे हैं थोड़ा कुछ अच्छे जगह में थोड़ा फ़ोटो खिंचाने के लिए, और थोड़ा वहाँ देखेंगे वो बंकर का, वहाँ पे देखते हैं क्या है। हमने कभी यहाँ ये तरफ घुमा नहीं, तो आज थोड़ा देखेंगे। ऐसा कुछ ज़्यादा प्लान नहीं था हमारा, बस ऐसे ही हम निकल चुके थे, इसलिए कोई कुछ ज़्यादा कुछ लाए नहीं साथ में। तो मेरा बेटी भी थोड़ा एंजॉय कर रहा है अभी छोटा छोटा मच्छी देख कर। खास कुछ लेके आना था हल करने के लिए, छोटा छोटा मच्छी सब है, पानी गाह भी है, तो अच्छे से हम लोग हल भी कर सकते थे। लेकिन कोई पार्टनर भी नहीं था साथ में, वो लोग चले गए हैं छुट्टी में। ये अपना सचिन भाई और सब अपना निकल रहे हैं, रोमिंग कर रहे हैं थोड़ा। तो देख सकते हैं आप सामने से भी लोग आ रहे हैं, वे भी हमारे साथ आए हुए थे। नहीं ना वो तरफ जाएगा ना, पहले पहुंच चुके थे हमारे साथ। कौन आएगा हमसे, हम तो फैमिली में जाते हैं, पीछे पीछे रहते हैं। वेलकम अपना गुरमा भाई। एक्चुअली हमारा प्लान संडे का था, लेकिन हमने सोचा ये छुट्टी का दिन ही हम निकले, क्योंकि मुझे जाना भी था, मंडे मेरा बोट है, मेरा फैमिली जाएंगे पुरलर, तो इसलिए हमने पहले प्लान कर दिया उसको, क्योंकि एक दिन रहता है जो हमें कुछ तैयारी करना रहता है निकलने से पहले। इसलिए हमने सोचा ये वेडनेसडे को ही हम ये पिकनिक कंप्लीट कर ले अपना, बहुत पहले से प्लान था। ये है हमारा मैडम, हम लोग उधर खिंचाया नहीं जाएगा तुन? और ये दोनों तो अभी तक चलो उधर खिंचाने जाएगा, घूम रहे हैं। अरे इधर ही तो वेट करता हो, हम थोड़ा कुछ फोटो शूट के लिए जाना चाहते हैं अभी आगे, तो चल भी नहीं सकता फिलहाल। तब तक बने रहिए आप हमारे वीडियो में। यही वक्त मुझे सबसे अच्छा लगता है जब मैं अपने फैमिली के साथ इसी तरह खुली हवा में एक
थोड़ा रोमिंग करूँ उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ, क्योंकि यही टाइम हम क्या बंकर है क्या, जापानीज बंकर है क्या, काफ़ी रिलैक्स फील होता है हमें ऐसे वक्त पे। तो मैं अपने इसलिए को हमेशा कहीं ना कहीं जगह पे नए नए जगह से लेना, यहाँ से लेना। मेरा वाइफ भी उतना पहले घुमा नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि उसे अपने जो मुल्क है, जो मेरा यहाँ से दोबारा उसे थोड़ा और घुमाने की कोशिश करूँ। मैं भी तो ज़्यादा घुमा नहीं था जब मैं छोटा था, यहाँ पे ज़्यादातर मैं पोलर में रहता था। तो मेरा कोशिश यही रहता है कि हम एक साथ एक दूसरे के साथ घूमें, नए नए जगह देखें और आगे से कोशिश यही रहेगा मेरा कि हम कहीं ना कहीं कैसे भी टाइम निकाल कर नए जगह में घूमने जाएं। चिंता नहीं ना? तो यही वो बंकर था जो मैं कह रहा था, जापानीज बंकर। पुराने ज़माने में पहले जापानीज भी आए हुए थे यहाँ पे कार निकोबार में। बस गिरना नहीं ले, चलो क्या है? ये जगह को क्या बोलता साहिल? इसको बोलते हैं नहीं पता। कुछ केवड़ी देखने मिला है हमें, देखिए आप यहाँ पे। वाह, क्या क्या पेड़ है मोहन ये? एक्चुअली हम लोग तो ऑफिस लैंडिंग का आगे का वहाँ पे हम लोग आज रुकना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणवश एयरफोर्स वाले वहाँ पे आ गए थे, तो इसीलिए हम ये तरफ आ गए, क्योंकि अच्छा जगह है वहाँ पे नहाने के लिए। यहाँ पे तो बहुत ही पत्थर है, तो अब देख सकते हैं आगे वो लोग निकल चुके हैं नहाने के लिए। थोड़ी देर में हम भी नहाने जाएंगे अभी, क्योंकि काफ़ी हद तक फ़ोटो शूट तो हो चुका है हमारा, हमने थोड़ा घूम भी लिया है। तो हम आज आए हैं अपने डिपार्टमेंट स्टाफ तो चलो ना नहीं जाएगा हम लोग तो ना, मैंने जान के तो अभी हम थोड़ा थक चुके हैं और थोड़ा पानी पियेंगे। तो देख सकते हैं कौन कौन आया हुआ है यहाँ पे। हमारी मैडम बैठी है, दुर्गा मैडम, और हमारी स्टाफ की वाइफ लक्ष्मी और जुडित है, और भी बाकी सारे अपने फैमिली के साथ आए हुए हैं। थोड़ी देर में हम और मेरा बेटी नहाने जाएंगे समुंदर, वो वैसे भी काफ़ी इच्छा है उनका नहाने की। तो यहाँ पे कुछ मछुआरे का ओड़ी भी है, तो ओड़ी बैठा है यहाँ पे।
और बाकी लोग भी इधर कुछ स्नैक्स खा रहे हैं। तो वॉलीबॉल भी खेल रहा है अभी बच्चे लोग। तो हमारे कुछ साथी पहले निकल चुके हैं नहाने के लिए, आप वहाँ देख सकते हैं वही तरफ आगे तरफ नहा रहे हैं। करीबन 4 की 5 जने शायद। सीख गया, तैरना सीखा, तैरना सीख गया, तैरना आता है ना सबको, बात में बुलाना नहीं, ठीक है। इसी दौरान हमने नहा भी लिया था, हमारा मेरा बेटी, उसको थोड़ा तैरना भी सिखाया था, लेकिन कुछ कारणवश मैं वीडियो नहीं ले पाया क्योंकि हम ना रहे थे। समुद्र लगभग काफी शांत है, ना हवा भी नहीं है जितना हमने सोचा था। वहाँ दूर से देखिए टाइटैनिक डूबा हुआ, यहाँ कार निकोबार का पता नहीं किसका शिप है, बहुत साल हो गया है वहाँ पे पड़ा है। तो इसी दौरान मैंने अपने बेटी को लेके आया, नहाने के लिए समुंदर में मैं, लेकिन वीडियो और शूट नहीं कर पाया था वो उसी दौरान क्योंकि हम नहा रहे थे। और भी बाकी हमारे साथी सब अपने एन्जॉयमेंट में लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे कुछ लोग पत्थर के ऊपर जा रहे हैं मच्छी ढूंढने शायद। इसी तरह सब अपने अपने टाइम बिता रहे हैं इस पिकनिक में। तो हमने समुंदर में नहाने के बाद थोड़ा चेंज कर लिया है और अभी थोड़ी देर में हम लंच करेंगे क्योंकि अभी वक्त हो चुका है लंच करने का। तो लगभग सभी नहा कर अभी सब चेंज करने जा रहे हैं। तुमको तो जल्दी करो, तुमको मांगता तो बच्चे भी सब आ चुके हैं खेल कर। तो अब थोड़ा देर में हमारा लंच शुरू होने वाला है और अभी लंच का तैयारी करेंगे हम लोग।
और लंच के बाद थोड़ा वॉलीबॉल खेलेंगे, उसके बाद फिर निकल जाएंगे। तो अभी हमारा लंच निकाला जा रहा है, अभी सब बैठ चुके हैं लंच के लिए। ए पिकनिक कैसा लगा बताओ? बढ़िया बढ़िया। ए का वो खाएगा तेरे को पिटाई होएगा। मैडम पिकनिक कैसा लगा? बढ़िया। ना बढ़िया ना ढीला। बाबी बताओ एंजॉयमेंट। हाँ हम नहीं कर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ఇంతెన్ కన్నా మా ఇంటి పెద్ద కోడలి ఇంతెంతనా పెద్ద ఇల్లు మాది. तो हमने लंच के बाद फिर वॉलीबॉल खेलना स्टार्ट किया। थोड़ा देर हमने वॉलीबॉल खेले, अभी टाइम भी होने वाला है, अब थोड़ी देर में हम लोग निकलने वाले हैं। तो हमारे दोस्त लोग दूसरी ओर से निकलेंगे क्योंकि वो फिश लैंडिंग है, वहाँ पे गाड़ी रुकेगा उनके लिए। तो हम यहाँ से निकल जाएंगे थोड़ी देर में। पापा कितना मिनट तक? 30। पापा कितना मिनट? 15। तो आज के हमारे इस स्टाफ पिकनिक बस यहीं पर समाप्त हुआ। अभी हम लोग निकल रहे हैं घर की ओर। तो हमने काफ़ी थोड़ा एंजॉय किया आज के दिन। तो कैसा लगा आपको मेरा यह वीडियो? प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू। हम लोग आएगा कितना दिन तो बचा है सर? धीरे से तो इतना
इतना हिलता है हम लोग तो। वो फोन करो ना, फोन करो, सुनिए फोन करो। तेल लेता है क्या? गेट बंद हो गया।